हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन में। आज हम बताएंगे अपने दिव्यांग साथियों को रेलवे फोटो आईडी कार्ड कैसे बनाएंगे, वो भी बहुत आसान भाषा में और आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिएगा, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि रेलवे फोटो आईडी कार्ड किस तरह बनता है, उसकी क्या प्रक्रिया और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगती है, और उसको बनवाने के लिए आप अपने राज्य में किस जगह जाएंगे तो आपका रेलवे फ़ोटो आईडी कार्ड जारी की जाएगी, और जारी की जाएगी तो कितने दिनों मिलेगा और इसकी वैलिडिटी कितने दिन होती है, हम सारी जानकारियां बताएंगे। इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो आपको रेलवे आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, और रेलवे कॉन्सेशन जो लिखित बनता है सिविल सर्जन के माध्यम से, वो आपके पास होनी चाहिए। ये सब होने के बावजूद आपके टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स होना चाहिए, और आपका जो नाम है कंसेशन सर्टिफिकेट जो सिविल सर्जन बनाता है, और जो सिविल सर्जन आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाता है, घोषित करता है कि आप दिव्यांग हैं, तो उसमें आपका 60% होना ज़रूरी है। 55% भी होगा तो चलेगा, 50% भी होना होगा तो चलेगा। आपके लिए कौन सी दिव्यांगता होनी चाहिए, जैसे आपकी नहीं दिखाई, आपको दिखाई नहीं दे रही है, या फिर आप चलने फिरने में असमर्थ हैं, या फिर आप टीबी के पेशेंट हैं, या फिर आप कैंसर के पेशेंट हैं, या फिर आपका पैर कटा हुआ है। इस मामले में रेलवे दिव्यांग साथियों को लाभ प्रदान करती है। उसके अलावा जो भी हमारे साथी हैं, उनके अगर मन में सवाल होगा तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए आपको फिर से आगे ले चलते हैं। फ़ोटो आईडी कार्ड आपको बनवाने के लिए सबसे पहले जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका जेरॉक्स कराना पड़ेगा, और आपका 4-5 ठो हाफ साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, और 4-5 ठो आपका फुल साइज़ जो जिसमें आपका दिव्यांगता विकलांगता दिखता हो वो होना चाहिए। ये सारी डॉक्यूमेंट लेकर, और जो आपका ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है उसका भी जेरॉक्स होना चाहिए, साथ साथ आप अपने रेलवे डिविजनल ऑफिस जाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि रेलवे डिविजनल ऑफिस है कहाँ, या फिर ये क्या चीज़ है। देखिए, रेलवे डिविजनल ऑफिस वो होता है, जैसे कि आप बिहार में समझ लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो आपका बनारस पड़ता है, इलाहाबाद पड़ता है। वैसे जो लोग बिहार में रहते हैं उनका सीतामढ़ी पड़ता है, या फिर इधर सोनपुर पड़ता है, ये सारी जगहों पे, या फिर हाजीपुर पड़ता है, ये सब रेलवे डिविजनल ऑफिस है। आप वहाँ पर जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट लेकर, तो जो भी रेलवे डिविजनल ऑफिसर होता है वो आपका डॉक्यूमेंट लेगा और आपको टाइम देगा कि आपके पास कॉल किए जाएंगे 15 दिन में, या फिर महीने दिन में, या फिर 1.5 महीने 2 महीने में, या फिर आपके पास कॉल नहीं जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आप हमारे पास डायरेक्ट ऑफिस में आकर मिलिए, और मिलने के बाद आपका काम कर दिया जाएगा। हालांकि ये काम कराने के लिए थोड़ी सी परेशानियां उठाना पड़ता है, लेकिन मेरे सभी दिव्यांग साथियों से अनुरोध है, गुजारिश है, जब से लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन की परेशानियां चल रहा है अभी 1.5 साल से, तब से रेलवे ने बहुत सख्त नियम लागू कर दिए है। पहले जो लिखित कंसेशन सर्टिफिकेट आता था जिसके माध्यम से टिकट मिल जाती थी बहुत आसानी से, उससे नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरे सभी साथियों से हाथ जोड़ के गुजारिश है और विनती है कि आप लोग जल्द से जल्द अपना रेलवे फ़ोटो आईडी कार्ड बनवा लें। गाइस, हम आप लोगों को बता दें, अगर आपका रेलवे फ़ोटो आईडी कार्ड बन जाता है एक बार, तो उसका जो वैलिडिटी होता है वो 5 साल का होता है, और उससे आपको जो लाभ मिलता है उसमें 75% का छूट मिलता है। अगर हम आपको सीधे भाषा में बताएं तो 100 रुपये में आपको 75 रुपये की लाभ होगी, और 25 रुपये आपका खर्च होगा। उसके साथ साथ आपके साथ एक स्कॉट जाएंगे, स्कॉट का मतलब कि आपको एक हेल्प करने के लिए जाएंगे, या फिर आपको संभालने के लिए, या फिर आपके सामान संभालने के लिए, ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। और ये सारी लाभ है आपके रेलवे फ़ोटो आईडी कार्ड के माध्यम से। और आप में से कौन से साथी किस राज्य से बिलोंग करते हैं, और उनको अगर नहीं मालूम है कि उनके रेलवे डिविजनल ऑफिस कहाँ पे है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको ढूंढने की या फिर आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी जो जानकारी है आप लोगों को हमें ख्याल होगा कि समझ में आ गई होगी। अगर जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उनको पर्सनली भी कमेंट के माध्यम से उनको हम जवाब दे देंगे। तो गाइज, हमारी जानकारी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर दो।